केसीएन में आपका स्वागत है, मैं किंग हमीद। होगा इतने अच्छे आदमी ना सभी ना मस्जिद मुनवरा की जो मस्जिद की जो बाजू की जगह जो थी हाउसिंग बोर्ड में एक्शन होता है। हाउसिंग बोर्ड में एक्शन हुआ तो क्या करती है तो मस्जिद की कमेटी के नाम पर एक्शन कराना, मोहम्मद सलीम एमडी सलीम के नाम पर एक्शन करा लेती। इन्हों जगह देने को ऐसे थे इतनी तकलीफ देती कमेटी वाले हमको उतनी तकलीफ देती। हमें जाको बीच में बैठ कर जो है मसले को हल कर कर कि तो किसरे का नाम खराब नहीं होना बोल को मसले को हल करके। अभी बहुत सारे मसाइल हैं, यहां को खत्म कर दे ले तो अच्छा है, नहीं तो मेरा काम ही शुरू करो। मेरा काम ही शुरू करा तो मैं कहां को जाता हूं, मंजो मालूम अल्लाह के मालूम। मेरी गलती से नहीं तुम्हारी गलती से गरीब अवाम को तकलीफ देना नहीं चाहता। यहां को खत्म हुआ ना और झूठ बोलना है। लेकिन मंजे मालूम नहीं था हाजी होने के बाद बावजूद भी आदमी इतना सफेद झूठ बोलता है। मैं इतना जो बोलिया मस्जिदा में दरगाह में और यासीना के अंदर पैसे रखकर इलेक्शन में जो दिए वो गलत, मैं करे तो भी गलत, तुम्हें करे तो भी गलत, मेरे बच्चे करे तो भी गलत करके मैं बोला सही से। अगर हमारे मोहल्ले वाले के ऊपर आपको एतमाद रहता भरोसा रहता नहीं भी ये लोग हम ना छोड़ डालती गड़बड़ को तो तुम्हें क्या करते कर तो जो भी जो गिफ्ट देने का था उस वक्त अब लीला देते। यासीना के अंदर रखो, मस्जिदों को बुला को खस्मा खला को दरगाह में 12-12 घंटा रात, 2-2 घंटा रात, 1.5-1.5 घंटा रात को बुला को खस्मा खला को वो देने का मसला नहीं था। अगर देना था तो लीला देते तो हमना भी खुशी होती, चलो जो मोहल्ले वाले के पर उनको बहुत बड़ा भरोसा है बोलकर उमरा की टिकटा हमारे तरफ से बोल को। वो जाने से पहले क्या कर तू दो दिन पहले मैं जा करूं उसके बाद ईमान दे। मैं इतना छोटा विवाह को नहीं और इन्होंने इतने बड़े विवाह को नहीं मंजे टिकट तो बुला ले देने के वास्ते। रहा मसला आज इन्होंने क्या बोल दी, जब इनकी जरूरत थी तो ये नौजवाना इनको सिपाया बन को खड़े थे, आज ये नौजवाना इनको मीर सादिक खान, आज ये नौजवाना इनको चोरा, आज ये नौजवाना इनको लोफरा, जिन्हें इनके वक्त को अपनी जान माल की कुर्बानी देखो इनके साथ खंधे को खंधा लगा खड़े थे, आज ये लोग जो है इनके ताल्लुक से खुसरवार हो गए। इसकी वजह क्या कर तो इनको हक नहीं पूछना, इनको हक कौन पूछते तो उन्होंने सबसे पहले ये लोग एसडीपीआई का शुक्रिया अदा करना है। अगर एसडीपीआई इनको सपोर्ट नहीं करती तो इन्हों कांगी रहते। वो नौजवाना जो ही अपनी जान माल की कुर्बानी देखो अपनी पूरे आफत अपने जान पर लेको इनको जिता सो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का आपको यहाँ बुलाना, मैं एक स्टेटमेंट दिया था जब गैस सिलेंडर्स के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस दिन, जब कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ उस दौरान जो मामले चले उसके ताल्लुक से मैं जो सच्चाई थी वो बयान किया। लेकिन मंजे मालूम नहीं था हाजी होने के बाद बावजूद भी आदमी इतना सफेद झूठ बोलता है। मैं इतना जो बोलिया मस्जिदा में दरगाह में
और यासीना के अंदर पैसे रखकर इलेक्शन में जो दिए वो गलत, मैं करे तो भी गलत, तुम्हें करे तो भी गलत, मेरे बच्चे करे तो भी गलत कर को मैं बोला सही चो। उसकी वजह क्या कहो, अभी नो एक आदमी को प्रोवोक कर रही, मुझे बोलना था, मेरे मोहल्ले वाले नहीं बोलना था, सही बात भी आप जो बोल रही, तुम्हें हक बजानी बात बोल रही। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर हमारे मोहल्ले वाले के ऊपर आपको एतमाद रहता, भरोसा रहता, नहीं भी ये लोग हम ना छोड़ डालती गरबल को, तो तुम्हें क्या करते कर तो जो भी जो गिफ्ट देने का था उस वक्त आप लीला देते, यासीना के अंदर रखो, मस्जिदों को बुला को, खस्मा खला को, दरगाह में 12-12 घंटा रात, 2-2 घंटा रात, 1.5-1.5 घंटा रात को बुला को, खस्मा खला को, वो देने का मसला नहीं था। अगर देना था तो लीला देते तो हमना भी खुशी होती, चलो भी मोहल्ले वाले के पर उनको बहुत बड़ा भरोसा है बोल को। लेकिन सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ मैं, आज अपे जो अल्फाजा इस्तेमाल कर रही, मैं खुद बोलिया सो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन होना, हमें भी एक 4 दिन बाहर चले जाएंगे, तुम्हें भी एक 4 दिन बाहर चले जाओ, मैं खुद बोलिया सो, मैं खुद अपील करिया सो, तुम्हें क्या बोलती हो तो उम्रा की टिकट हमारे तरफ से करो बोल को। वो जाने से पहले क्या कर, तू 2 दिन पहले मैं जा करो, उसके बाद इनो आंदे, मैं इतना छोटा भी हो को नहीं और इन्हों इतने बड़े भी हो को नहीं, मंजे टिकट दे बुला ले जाने के वास्ते। रहा मसला आज इन्हों क्या बोलती, जब इनकी ज़रूरत थी तो ये नौजवाना इनको सिपाहियाँ बन को खड़े थे, आज ये नौजवाना इनको मीर सादिक खां, आज ये नौजवाना इनको चोरा, आज ये नौजवाना इनको लोफरा, जिन्हें इनके वक्त पर अपनी जान माल की कुर्बानी देको इनके साथ खंधा लगा खड़े थे, आज ये लोग जो है उनके तल्लुक से खुसरवार हो गई। उसकी वजह क्या कहते, इनको हक नहीं पूछना, इनको हक कौन पूछती है तो उन्होंने बुरे हो जाती सो। इस वजह से पहले तो मैं ये लोग जो जीत कर ही, सबसे पहले ये लोग SDPI का शुक्रिया अदा करना, इन्हों अगर SDPI इनको सपोर्ट नहीं करती तो इन्हों कांगी रहते। वो नौजवाना जो ही अपनी जान माल की कुर्बानी देखो, अपने पूरे आफत ना अपने जान पर लेको इनको जिताए सो, और उसके साथ साथ अगर मैं JDS से कैंडिडेट नहीं होता तो 1 सीट कांग्रेस के इलेक्शन होकर रहता, अगर मैं JDS से कैंडिडेट अगर नहीं होकर रहता, यू नो आतिश नहीं थे, 1 सीट जो है इलेक्शन कांग्रेस को हो जाता। इस वजह से तुम्हें क्या सबको मालूम, मैं क्या सबको मालूम, यहाँ कोई सी भी बात जो है मोहल्ले वाले से होंदे, मैसूर वाले से होंदे, बाबू क्या अज्जू क्या कहते सबको मालूम। मेरी बड़ाई मैं खुद नहीं कर लाना चाहता, तुम्हें भी आज अल्फाजा की ज़रा बहुत तकबूरी और घमंड के अल्फाजा दिशा मुझे, वो मैं तुम्हारे से उम्मीद नहीं कर को था, क्या कहते कहेंगे ज़रा अकलमंद रहेंगे गुरबुल को, लेकिन सबसे झूठ बोले तुम्हें क्या हमें दे कुछ नहीं गुरबुल को। आज जब इन्होंने स्टेटमेंट दिए के बाद मोहल्ले के अंदर एक वसवसा पैदा हो गया है कि लोग कितना झूठ बोल रही ना बोल को, हमारे हाथ में खुद पैसे दिए इन्हों यासीना दिए, हमें खुद ले को ही हमें उसकी गवाही देती कहती, लेकिन मंजे वो चीज़ा नको। मैं क्या बोलता हूँ, मोहल्ला जो है हमारा एक घर, हमारे घर की हमें हिफाजत कैसा करना, तो जैसा हमारी हिफाजत हमारे घर की हिफाजत करती है ऐसा करना हमें।
हमारे घर वाले को मैं क्या बोल देती, कैसे ना मैं कैसा रखू देती, क्या दिव्य नगर है तो नहीं देता, नहीं सुना देती सो ऐसा क्या है तो हमारे घर को हमारी हिफाजत करना। जनाब एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है जी कि एक अलग किस्म का इल्जाम का ये दौर शुरू हो गया है, खुसूसन वार्ड नंबर 9 में। पिछली मरतबा जब जेडीएस को हाथ उठाती तो अवाम की जानिब से जो है बीजेपी को हाथ ढह बोलकर जो है एक पूरा चर्चा चल के रहता है। उसके बाद से ऐसे इल्जाम के जो हैं मसले होते रहते हैं। क्या ऐसे इल्जाम से वार्ड नंबर 9 के अवाम का भला होगा? आखिर क्या करना चाह रहे हैं कि सिर्फ इल्जाम लगा के रहते हैं, क्या इसे तरक्की भी करने की कोशिश की? नहीं, हमारी कोशिश ये जी हमारी कोशिश ये हमारा घर अच्छा रहना। हमारा घर बोले तो हमारा मोहल्ला जी, हमारे मोहल्ले में अमन और सुकून रहना जी, हमारे मोहल्ले की अवाम को जो है हमें सही रास्ता दिखाना, हमें जिम्मेदार आए जी। आज जिम्मेदार गुरु को बोले तो हम जब हमें गलती करते हैं कौन भी उठ को हमने पूछता चाहिए उसका हक हो। अगर पूछो ना गुरु को बोले तो डिक्टेटरशिप होगी, वो चलता नहीं है, चलने देते नहीं है कि अवाम। मई गलती जब कर को हो तो मंजे भी सवाल कर को ही, आज तुम्हें गलती कहेंगी कर को ही तुम्हारा भी सवाल होती, वो उसका जवाब देने का तैयार रहना। ऐसा नहीं गुस्सा कर लेना, चिड़चिड़ाना, मैं क्या की, तुम्हें क्या सबको मालूम, मैं क्या सबको मालूम, अब तुम्हें बोलती मैं हचको भेजे हचको भेजा कर को, हमना कन्फ्यूजन है, हचको तुम्हें भेजे क्या, बीजेट जमीर अहमद साहब भेजे क्या, हमना सर कन्फ्यूजन है, वो भी जरा क्लियर होना हमना। मैसूर में एक आम बात क्या है तो बहुत सारे आदमी जो है बीजेट जमीर अहमद साहब सब सबको दुआ करती, अल्लाह उनके उनकी वजह से बहुत सारे आदमियाँ हचकू जा रही मैसूर से करबूल को, ये तुम्हें भेज रही करो हमें मालूम नहीं है, वो भी जरा बोलना बार बार तुम्हें बोलते रहता आदमी में एक शर्मिंदगी पैदा होती है। कोसा शर्मिंदा करो उन्होंने कि तब चलेगी जा कर आगे उन्हों, अब तुम्हें बाजू बिठा लो उनको शर्मिंदा करे तो ये भी अच्छी बात नहीं। और मोहल्ले में अमन होना, अमन होना अगर बोला तो हमें सबसे पहले कहते झूठ बोलना छोड़ना, मोहल्ले को मोहल्ले के अवाम को जो फला बेबूदी है वो करना। तो हिसाब अभी नो बोलती हमें क्या बीज कर को नहीं, क्या बीज कर को नहीं, बोल को एक एक नल को 10,000 15,000 25,000 रुपये लेको ही नो हिसा, एक नल को है ना कनेक्शन देने के वास्ते मैं एक डॉक्यूमेंट्स बनाता हूँ। ये एक न्यूज़ है केवी न्यूज़ को हमारे मुदस्सिर साहब जो ही एक न्यूज़ कलेक्ट करे थे नायडू नगर बस स्टॉप के पीछे जो नया मोहल्ला है रहमतुल्ला भी जो सैडामन है वहाँ के अवाम जमकर है ना केवी न्यूज़ को एक न्यूज़ दिए थे। वो न्यूज़ क्या हुई कि तो इन्होंने टेलीकास्टिश नहीं करे, टेलीकास्टिश करने दिए नहीं उन्होंने, उसमें सबके ऊपर सख्ती करे इन्हों, सबको फोन आकर को फोर्स करको न्यूज़ डिलीट करना करो टेलीकास्ट करने दिए नहीं। अवाम बोलकर है सुबह महीने वे वहाँ के अवाम जिन्हें 10,000 15,000 25,000 जो देखो ही वो अवाम बयान देखो थी सो इनो मुदस्सिर साहब को फोन कर कर ने वो टेलीकास्ट नहीं करना कर बोल को नो चीज़ को बैन करे, वो करने देना था तुम्हें होगा इतने अच्छे आदमी ना साहब इनो मस्जिद मुनवरा की जो मस्जिद की जो बाजू की जगह जो थी हाउसिंग बोर्ड में एक्शन होता है, हाउसिंग बोर्ड में एक्शन हुआ थी उन्होंने क्या करती तो मस्जिद की कमेटी के नाम पर एक्शन कराना सो मोहम्मद सलीम एमडी सलीम के नाम पर एक्शन करा लेती, इन जगह देने के वास्ते इतनी तकलीफ देती कमेटी वाले हमको उतनी तकलीफ देती। हमें जाको बीच में बैठ कर जो है मसले को हल कर कर कि तो किसरे का नाम खराब नहीं होना बोल को मसले को हल करती। अभी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ को ख़त्म कर दे ले तो अच्छा है, नहीं तो मेरा काम ही शुरू कर दो, मेरा काम ही शुरू करा तो मैं कहाँ को जाता हूँ मंजा मालूम अल्लाह को मालूम। मैं मेरी गलती से नहीं तुम्हारी गलती से गरीब अवाम को तकलीफ देना नहीं चाहता,
ये यहाँ को खत्म होया ना और झूठ बोलना नहीं। जी जनाब, मैं मोहल्ले वाले से गुजारिश करता हूँ, मेरे अल्फाज जो थे, मैं मोहल्ले का बच्चा, कांग की गलती हो रही है तो मेरी जिम्मेदारी सच्चे, कांग की मई गलती हो रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी सच्चे, मुझे ताकीद करने की। जो होकर है नहीं होकर है अल्लाह को मालूम, जिन्हों लेकर ही जिन्हों देकर ही वो भी अल्लाह को मालूम। मैं गुजारिश क्या करता हूँ तो ये सब मामले जो हैं, ये यासीना के ऊपर, मस्जिदों के अंदर, दरगाह के पास, दरगाह के अंदर ये सियासी मसले ले लिया जो करती हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये करोनों को सियासी मसले कोसे भी रंधे बाहर कर लियो, क्योंकि तो सब चीज़ों से है ना, मोहल्ले को भी नुजुल आगे होती है, हमना भी नुजुल आगे होती है। इस वजह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या भी लेने का देने का हताश हो, इलेक्शन कर को बोले थे गीत कहती हूँ, आदमी एक तोहफे कहती हूँ, गीत कहती हूँ कि आती आदमी के पास आता सोच, एक मुलाकात करके क्या कि गीदी के तौर पर ले जाता सोच, वैसा रगलिंग दे। मस्जिद को सियासत का घर बनाने का नको, दरगाह को सियासत का घर बनाने का नको, यासीना को सियासत का घर बनाने का नको। मैं मोहल्ले वाले से मैं ऐसी कोई सी भी बात करको नहीं हूँ कि लोग तुमना भड़का रही, मैं ऐसी कोई सी बात करको नहीं हूँ, जो चल कर है वो बयान करको हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ आने वाले दिनों में ऐसा नको, मैं गुजारिश करता हूँ हर एक टाइम, आने वाले दिनों में जो है ऐसा नको, ठीक है तो मोहल्ले की बदनामी होती है, एक अपने दिल में क्या खुद अपने आपको जो है शर्मिंदगी होती है, हमें क्या गलती करी क्या नहीं करी, बोल को हमारे गवाह होंगे तो हमारा दिल अल्लाह से। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ आने वाले दिन जो है अच्छे गुजारेंगे, तो इलेक्शन का मामला आता है, मैं बोलकर अभी बोल रहा हूँ, एक चार दिन तुम्हें भी चले जाए, एक दिन चार दिन मैं भी चले जाता हूँ, तुम्हें मंजे टिकट जो नो को मैं तुम्हारा टिकट देता नहीं, उनके टिकटा में जाकर जींगते अल्लाह के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम।